हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिकल है। मैं रीना और आज हम इस पुरानी जो हमारी टी शर्ट है उसका यूज़ करके बैग बनाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी टी शर्ट है उसे हमें यहाँ नीचे के साइड से कट कर लेना है। मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी, नीचे से इतनी जगह छोड़ के हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यहाँ से हम कट कर देंगे इसे। ये हमने कट कर दिया। इसे हमें फोल्ड करना है। ये सेंटर में से फोल्ड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हम ऊपर मार्क कर देंगे। मैंने मार्क कर दिया है, इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब यहाँ से हमने ये कट कर लिया है। अब हमें ये यहाँ से भी कट करना है। ये हमने यहाँ से भी कट कर दिया। तो ये हमने अब हमें ये नीचे का जो पार्ट्स था हमारा वो लेना है और उसके नीचे ये जो एक पट्टी है फोल्ड की हुई उसे हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है नीचे से पट्टी को। यहाँ से हमें इतना इतना सा कट लगाना है। ये जो हमने कट लगा दिया इसे हमें यहाँ ऊपर से थोड़ा सा ऐसे घुमाना है। ये हमारी आगे पीछे हो जाएगी इस तरह से। अब इसे हम सेंटर में से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कट लगाना है। और इसे भी फोल्ड करके हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमें इसे अटैच कर लेना है। यहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया था ये वहाँ से हम पकड़ेंगे और ये सीधी साइड रखेंगे। ये नीचे का पार्ट हमें छोड़ना है। इस तरह से यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे।
ये हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हमें ये जो हमने पीछे एक पार्ट हमारा हटाया था, इसे हम ऊपर से यहाँ पे रख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पे मार्क किया है, उसके साथ हम मिला देंगे। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया अंदर से। अब हमें यहाँ पे 2 इंचेस की जगह छोड़ के ऊपर से हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हो गया, अब इसे हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने स्टिच कर दी है। अब यहाँ पे जो हमने ये जगह छोड़ी थी वहां पे ये जो हमने नीचे से पट्टी कट की थी वो लेना है, और इसे हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। अब इसे हम सेकंड साइड से भी उसी तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैग एकदम रेडी है। आप इसका कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।